कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। पहला यदि सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है तो हैविंग प्लस वर्ब के साथ आर्मी जब हम लगाएंगे तो इसमें क्या परफेक्ट पार्टिसिपल का निर्माण होगा। और दूसरा सेंटेंस हमारा था पैसिव वॉइस में हैविंग, यदि मान सकते हैं पैसिव वॉइस में हैविंग प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड पार्ट लगाएंगे तो हमारा जो परफेक्ट पार्टिसिपल का निर्माण होता है। तो हमें यहाँ और एक चीज ध्यान रखना, जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है यह मतलब क्रिया के अंत में, मतलब कि क्रिया के अंत में जो है करके या के बाद, करके या के बाद शब्द देखने को मिलते हैं, मतलब करके या के बाद शब्द देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारा जो है परफेक्ट पार्टिसिपल का निर्माण कैसे होता है, कि वह दो प्रकार से होता है। एक तो है एक्टिव वॉइस, जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस हमारा है जहां प्लस वर्ब के थर्ड पार्ट लगाने से परफेक्ट पार्टिसिपल का निर्माण होता है। और दूसरा जो है हाईली, यदि मान सकते हैं पैसिव वॉइस में हाईली प्लस बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड पार्ट लगाने से परफेक्ट पार्टिसिपल का निर्माण होता है। तो अब हम जान लेते हैं किस प्रकार से जो है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, जिसके लिए परफेक्ट पार्टिसिपल की सहायता से। अब इसके लिए यदि हमें जो परफेक्ट पार्टिसिपल की सहायता से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो इसके लिए जो है कुछ हमें नियम याद रखना चाहिए। हाँ, तो हम देखेंगे उसके आगे क्या करना है। यदि हमें परफेक्ट पार्टिसिपल की सहायता से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो इसके लिए हमें कुछ नियम याद रखने पड़ते हैं। पहले देखेंगे जो हमारा पहला सेंटेंस हो उसका सब्जेक्ट, और जो हमारा दूसरा सेंटेंस दिया गया है और उसका सब्जेक्ट, दोनों क्या है कि एक समान होने चाहिए। मतलब जो हमारा पहला सिंपल सेंटेंस दिया रहेगा और दूसरा सिंपल सेंटेंस दिया रहेगा तो दोनों के सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, एक समान होने चाहिए। और दूसरी क्या है कि और दूसरा एक एक चीज होता है जो फाइनाइट वर्ब होगी दोनों सेंटेंस के, वह क्या है अलग, मतलब पहले सेंटेंस की जो हमारी फाइनाइट होगी और दूसरे सेंटेंस की जो हमारी फाइनाइट वर्ब होगी वह दोनों क्या है कि मतलब कि अलग अलग होनी चाहिए, एक समान नहीं होनी चाहिए। दोनों के फाइनाइट वर्ब जो है वह अलग अलग होनी चाहिए। और टाइम इंटरवल इनफ, मतलब कि जो समय अंतराल हो वह पर्याप्त हो, मतलब कि समय अंतराल हो क्या हो रहा है पर्याप्त हो, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ये कार्य ठीक से समाप्त हो जाए तभी दूसरा कार्य प्रारंभ हो। एक कार्य जो हमारा है ठीक से समाप्त हो जाए तभी दूसरा कार्य प्रारंभ हो। धीरे धीरे इसका जो हमारा नियम क्या है, जैसे जो हमारा पहला सब्जेक्ट दिया रहेगा उसका सब्जेक्ट और प्लस जो दूसरा सब्जेक्ट दिया रहेगा उसका सब्जेक्ट, दोनों क्या है एक समान हो। और फिर दूसरा जो हमारा नियम है जो फाइनाइट वर्ब पहले सेंटेंस की है और दूसरे सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब है वह दोनों क्या है अलग अलग होनी चाहिए। और टाइम इंटरवल ही ना, मतलब समय अंतराल जो है पर्याप्त होना चाहिए, अर्थात एक कार्य ठीक से समाप्त हो जाए तभी दूसरा कार्य प्रारंभ हो। अब यह हम जान लेते हैं, अब हम इसके बाद यह जान लेते हैं किस वाक्य के वर्ब को जो है हम परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलेंगे। और हमें यह जान लेना है कि किस सेंटेंस के वाक्य को हम परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलेंगे। इसमें क्या है कि जिस सेंटेंस के वर्ब से, मतलब जिस सेंटेंस के वर्ब से कार्य पहले हो उसी के वर्ब को हमें जो है परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलना होगा। इसे बदलना होगा जिस सेंटेंस के वर्ब से कार्य पहले हो उसी को जो हमें परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलना होगा। अब हम देखते हैं तो ये कैसे बदलना है, तो हम यह अपना एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि वह क्या क्या है। ये नियम जो हमें याद होना चाहिए तभी हम कुछ कर पाएंगे।
हाँ तो हम लोग देखेंगे इसमें से जो है कुछ एग्जांपल जो हमें परफेक्ट पार्टिसिपल की सहायता से जो है सिंपल सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना है। तो हमारा पहला सेंटेंस हमने लिखा कि रवि कंप्लीटेड हिज वर्क ये हमारा पहला सेंटेंस हुआ। ही वेंट टू ऑफिस ही वेंट टू ऑफिस ही वेंट टू ऑफिस मतलब क्या है कि रवि कंप्लीटेड हिज वर्क ही वेंट टू ऑफिस मतलब रवि ने अपना कार्य समाप्त किया पूरा किया ही वेंट टू ऑफिस वह दफ्तर गया। अब इसमें हमें क्या करना है ध्यान रहे इसमें हमने बताया था परफेक्ट पार्टिसिपल की जो पहचान होती है हिंदी में क्या कहते हैं क्रिया के अंत में करके क्रिया के बाद मतलब ये सब हमें देखने को मिलता है। तो हमने ये सब देखा रवि कंप्लीटेड हिज वर्क ही वेंट टू ऑफिस इसमें जो हमारा यह पहला सेंटेंस है और यह क्या है दूसरा सेंटेंस है। अब हमें इसमें क्या करना है परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना है। लेकिन आपने बताया कि इसमें क्या नियम अब यह प्रश्न होता है कि हमने जो नियम बताए देखो वह दोनों पार हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। सबसे पहले हमने बताया जो हमारा पहला सेंटेंस हो उसका सब्जेक्ट और जो हमारा दूसरा सेंटेंस हो उसका सब्जेक्ट ये दोनों जो है एक समान होने चाहिए दोनों क्या है एक समान होने चाहिए और फाइनाइट वर्ब जो हमारे दोनों अलग अलग होने चाहिए। इसमें हमारा फाइनाइट वर्ब कंप्लीटेड है और इसमें हमारा फाइनाइट वर्ब क्या है वेंट है। इसमें तो हमारा फाइनाइट वर्ब कंप्लीटेड है और इसमें जो हमारा फाइनाइट वर्ब है वह क्या है वेंट है। तो अब हमें यह देखना है कि किस सेंटेंस के वर्ब को जो है हमें परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलना होगा। अब यह देखना है कि सेंटेंस के वर्ब को जो हमें परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलना होगा। तो हमने बताया कि जिस सेंटेंस के वर्ब से जो कार्य पहले हो जिस सेंटेंस के वर्ब से कार्य पहले हो उसी के वर्ब को हमें जो है परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलना होगा उसी के वर्ब को जो परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलना होता है। इसमें देखो इसमें देखो जो रवि है सेंटेंस का सब्जेक्ट दूसरे के ही है मतलब रवि के लिए ही ही का यूज किया गया है इसलिए हमारे जो है ये सब्जेक्ट दोनों क्या है एक समान है और फाइनाइट वर्ब एक के काम लेते हैं दूसरे में वेंट है दोनों अलग अलग है। और फिर बाद में बताएंगे कि सेंटेंस के जो है वर्ब को परफेक्ट पार्टिसिपल बदलेंगे जिस सेंटेंस के वर्ब से कार्य पहले हो उसी के वर्ब को हमें जो है परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलना है। अब क्या करेंगे इसमें देखना है जो मुझे कंबाइन करेंगे सिंपल सेंटेंस में तो हो जाएगा तो रवि कंप्लीटेड है इस बार यह हमारा देखो एक टेंस है मतलब यह क्या है कि टेंस है वो भी कौन सा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है मतलब जो वर्ब का सेकंड फॉर्म कर रहे हैं कौन सा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और दूसरा क्या है मतलब ये वेंट टू ऑफिस हमें किससे मतलब रखना है देखना है कि किस सेंटेंस से कार्य पहले हुआ मतलब इसे रवि कंप्लीटेड इस बार मतलब पहले रवि ने अपने कार्य को समाप्त किया तब उसके बाद वह ऑफिस गया। अब हमें देखना है कार्य पहले हो जा रहा है तो इसी के वर्ब को जो हमें परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलना है। तो हम क्या करेंगे देखेंगे ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस के दौरान बदल जाएगा एक्टिव वॉइस में है तो हैविंग प्लस वर्ब के साथ फॉर्म लगाते हैं यदि पैसिव वॉइस में है तो हैविंग बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ये सेंटेंस हमने देखा जो है एक्टिव वॉइस में है और उसी के वर्ब से कार्य पहले हो रहा है तो हम इसे बदलेंगे सिंपल सेंटेंस में तो हो जाएगा हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क अब यहां पर तुरंत कामा लगाना पड़ेगा ध्यान रहे हम पहला सेंटेंस लिखेंगे उसको क्या लगता है
अभी तो टीचर इज वर्क है, अब यहां देखो रवि है और दूसरे में क्या है जी है, रवि सेंटेंस में नाउन का यूज नहीं हुआ है, इसलिए सब्जेक्ट में क्या है नाउन का यूज करना है। तो आप एक ठीक जगह पे जी को ना लिखकर इसे लिखेंगे रवि को लिखेंगे तो हो जाएगा क्या हम लिखेंगे रवि वेंट टू ऑफिस, रवि वेंट टू ऑफिस मतलब अपना कार्य समाप्त करके या करने के बाद रवि वेंट टू ऑफिस गया। तो पहला सेंटेंस हमने देखा सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करके, ध्यान रहे जब सिंपल सेंटेंस में जब हम कंबाइन करते हैं उसमें केवल एक ही फाइनाइट पार्ट होनी चाहिए, मतलब सिंपल सेंटेंस में जब हम निर्माण करते हैं उसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। अब देखो दस सर्वे दूसरा सेंटेंस हमारा है द सर्वेंट सर्वेंट स्विफ्ट द रूम द सर्वेंट स्विफ्ट द रूम रूम ही वेंट अवे ही went away he went away। अब हमें देखना क्या है इसमें the servant swept मतलब कि नौकर ने कमरे को क्या किया साफ किया झाड़ू लगाया क्या he went away वह चला गया। तो देखो कि दोनों के सब्जेक्ट क्या हैं, इसमें हमारे पहले से सब्जेक्ट सर्वेंट है दूसरे के ही है मतलब सर्वेंट के लिए ही इसका यूज हुआ है, दोनों के सब्जेक्ट एक समान है और इसमें से दोनों क्रिएटिव वर्ब है, इसमें किसमें क्रिएटिव वर्ब हो सकते हैं और इसमें क्या है वेंट है, दोनों क्रिएटिव वर्ब भी अलग अलग है और समय अंतराल जो है वो भी पर्याप्त है, समय अंतराल जो क्या है पर्याप्त है, मतलब इसने अपना कार्य उसने कमरा साफ किया उसके बाद ही क्या अपना एक कार्य समाप्त कर भी लग गया है वो भी नियम हमारा फॉलो हो रहा है। तो अब इसे जब सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करके हो जाएगा तो हाईली Yeah.
ए लेटर हाइफन बी के नहीं लेटर। अभी यहां पे कहां लगाना पड़ेगा, अभी अब उसके बाद में क्या करना है, सदस्य प्रारंभ करना है यू पोस्ट के ए यू पोस्ट के ए। ये तो हमने देखा, ये जो हमारा है। और उसके बाद एक संदेश और देखते हैं, चौथा संदेश हम देखते हैं, इसे मिटा लीजिए बार। तीन संदेश और चौथा देखेंगे हम, अब अगला संदेश चौथा देखते हैं। ही वाज पनिश्ड, ही वाज पनिश्ड बाय हिज टीचर, बाय टीचर। ही वाज पनिश्ड बाय हिज टीचर। और दोबारा क्या है, ही फेल्ट सॉरी, ही फेल्ट सॉरी, मतलब क्या है कि इसे हमने तीन फसल में कंबाइन किया। ही वाज पनिश्ड बाय हिज टीचर, करते हैं। अब देखते हैं इसके बाद